प्रथम बुद्ध शासन काल का अंत होते होते लोग इन चैत्यों के साथ साथ उनमें सन्निधान की गई भगवान बुद्ध और उनके अग्र श्रावकों की शरीर धातु को शायद पूरी तरह भूल ही चुके थे। पर द्वितीय शासनकाल आते आते पुरातत्व विशेषज्ञों को वह अनेक चैत्यों में मिलने लगी। सबसे पहले 1898 में W.C. पेप्पे नाम के व्यक्ति को पिपरवाह के स्तूप में संयोगवश मिली। वहां धातु कक्ष में उन्हें 3 पात्र मिले, 2 पात्रों में उन्हें कुछ रत्न मिले और 1 पात्र में कुछ मोतियों जैसे धातु, जिसे वे समझ न सके कि वो क्या है। इस पात्र पर ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित था, जिसे पढ़वाने पर पता चला कि पाली भाषा में भगवा लिखा है। तब ये बात समझ आई कि उस पात्र में भगवान बुद्ध की शरीर धातु है। उस समय के भारत में भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी न के बराबर रह गई थी और जो कुछ थी उनमें अनेकों भ्रांतियां ही थी। ऐसे ही उनकी शिक्षा और उनके सिखाए गए मार्ग के विषय में तो कोई कुछ जानता भी नहीं था। वहीं म्यामा में भविष्यवाणी के अनुसार भगवान की शिक्षा और उनके द्वारा सिखाया गया मार्ग अर्थात ये विपश्यना साधना की विधि बहुत थोड़े से ही भिक्षुओं के बीच गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रही। तो इन थोड़े से आचार्यों ने ये विपश्यना की शिक्षा लुप्त ना हो जाए, भारत में लुप्त हो गई, बाकी देशों में लुप्त हो गई, हमारे यहाँ लुप्त ना हो जाए, इसलिए संभाल कर रखी कि 2500 वर्ष के बाद ये विद्या भारत जानी है, बुद्ध की शिक्षा सारी भारत जानी है, तो हम उसको शुद्ध नहीं रखेंगे तो जाएगी कैसे, और जाएगी तो शुद्ध रूप में कैसे जाएगी। वहाँ शायद सूर्ण और उत्तर के साथ अशोक काल की वह भविष्यवाणी भी मौखिक रूप से प्रचलित हो गई थी। वहाँ के समाज ने इस अमूल्य रत्न को न सिर्फ संभाल कर रखा परंतु द्वितीय बुद्ध शासन काल में उसे भारत वापस भेजने के लिए भी तत्पर रहे। इसी गुरु शिष्य परंपरा में लेदी सायदो नाम के स्थविर भिक्षु हुए, जो 1894-95 में कृतज्ञता व्यक्त करने भारत आए। भगवान से जुड़े अनेक स्थानों की उन्होंने यात्रा की। भारत में भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के प्रति दयनीय अवस्था देखकर उन्होंने शायद सोचा, The Dhamma has to spread round the world and it will spread round the world if the householders take up this mission. Because people will have more confidence in them, one thing, and people will feel more non-sectarian in taking Dhamma from them. And people will feel that this path is not merely for monks. So then he was the first person who decided that there must be householder teachers. 20वीं सदी के आरंभ में उपोथेट नाम के एक गृहस्थ युवक ने लेदी सायदो से साधना सीखी, जो आगे चलकर साया थेजी के नाम से प्रख्यात हुए। फिर 1937 में साया थेजी के पास उबाखिन नाम के युवक ने विपश्यना सीखी, जो आगे चलकर अरहत भिक्षु वेबू सायदो की प्रेरणा से विपश्यना के सबसे प्रभावशाली आचार्यों में से एक हुए और साया जी उबाखिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1954 आते आते भगवान के प्रथम शासन काल का भी अंत होने लगा, तो उस उपलक्ष पर म्यामा में 2 वर्षों तक छठी संगीति का आयोजन हुआ। भारतीय मूल के बर्मी नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें वहां के श्रेष्ठ व्यवसायियों में से एक श्री सत्यनारायण गोयनका भी थे। 1 सितंबर 1955 को उन्होंने सायाजी उबाखिन के पास अपने पहले शिविर में भाग लिया। 1955 में प्रथम बुद्ध शासन का अंत माना जाता है और फिर 14 वर्षों तक अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर साधना सीखने सिखाने का कार्य करते हुए 1969 में गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका भारत आए और July 3, 1969 को भारत में 2000 वर्षों के बाद पहला
10 दिवसीय विपश्यना शिविर लगा। विपश्यना पुनः भारत लौटी। मोगली पुत्र तिस्स की अशोक कालीन भविष्यवाणी सत्य हुई। म्यामा के लोगों की 2300 वर्षों की तपस्या सफल हुई। भारतीय समाज की सामान्य व्यवस्था लेकिन अब भी वैसी ही थी जैसी 1894-95 में लेडी सायदो ने देखी थी। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा के विषय में अंधकार कायम था। पुराने चैत्यों से मिली भगवान बुद्ध की शरीर धातु या तो विदेशों या भारत के संग्रहालयों में रखी थी। केवल लंका और म्यामा जैसे देशों में ही भगवान की शरीर धातु चैत्यों में सुरक्षित थी, जैसे कि भगवान ने महापरिनिब्बान के पहले आनंद को समझाया था। पर जहां भगवान के जीवन और उनकी शिक्षा के विषय में इतना अंधकार हो, जहां समाज उनकी शिक्षा के आधार पर चलकर मिलने वाले लाभ से पूरी तरह अनभिज्ञ हो, वहां एक ऐतिहासिक बुद्ध के महत्व और उनके लिए आदर भाव को लोग कैसे समझते। उनकी शरीर धातु को संग्रहालयों में न रखकर चैत्यों में सम्मान पूर्वक रखने के महत्व को कैसे जानते। तो गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका ने पहले विपश्यना साधना सिखाकर लोगों के मंगल के काम पर ही ध्यान दिया। धर्म जड़े जमाने लगा। दूसरे शिविर से ही नए साधकों के साथ साथ पुराने साधक तपने लगे। विपश्यना का लाभ मिला तो बार बार शिविरों में बैठने की इच्छा स्वाभाविक ही थी। साधना केंद्र तो तब थे नहीं, कभी धर्मशालाओं, कभी मंदिर, कभी होटलों में बुकिंग करके शिविर लगाए जाते थे। साधना तब भी बिना किसी शुल्क के ही सिखाई जाती थी। 1971 के अंत तक ही इन जिप्सी शिविरों में 100 से अधिक साधक बैठने लगे, जिसमें काफी मात्रा में पुराने साधक भी होते थे। साधक प्रगति कर रहे थे तो उनकी साधना की गंभीरता को बल देने के लिए गुरुजी ने दिसंबर 1972 में वाराणसी में 20 और 30 दिन के पहले शिविर लगाए। हम देखते हैं कि आज कल ये विपश्यना में यंग जनरेशन बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रेस की लाइफ है, मानते हैं कि हम दुनिया की चीजों से सुखी है, कार है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, सत्ता है, इतना होने के बावजूद मन में बहुत अशांति है। तो इसके लिए वो शांति खोजने के लिए ये हमें विपश्यना करनी है। नवंबर 1974 में इंदौर में 10 दिवसीय शिविर लगा। विपश्यना को पुनः भारत आए अभी 4.5 साल ही बीते थे और धर्म का ऐसा वातावरण लगातार प्रगति पथ पर था। उधर 1970 में ही सायाजी उबाखिन ने गुरुजी को एक पत्र में स्थायी केंद्र बनाने का आदेश दिया था। धर्म की प्रगति देखकर गुरुजी को भी स्थायी साधना केंद्र की आवश्यकता साफ दिख रही थी। साधक भी विपश्यना के अभ्यास से मिलने वाले लाभ से परिचित हो चुके थे। तो ऐसे वातावरण में हैदराबाद और इगतपुरी में तपोभूमि के निर्माण हेतु जमीन के दान आने लगे और अक्टूबर 1976 में धम्मगिरी इगतपुरी में विपश्यना का पहला स्थायी केंद्र तैयार हुआ और 10 दिवसीय शिविर लगा। 1979 में विपश्यना के पुनः भारत लौटने के 10 वर्ष पूरे हुए। तो गुरुजी की पहले से ली हुई प्रतिज्ञा के आधार पर भारत के बाहर अनेक कठिनाइयों के बावजूद फ्रांस में पहला शिविर लगा। विपश्यना अब पश्चिमी देशों में फैल रही थी। पश्चिमी देशों से जो हिप्पी भारत आते थे उनमें से अनेकों ने विपश्यना साधना गुरुजी से सीखी हुई थी, लेकिन अब तो विपश्यना सीधा विदेशों में ही सिखाई जाने लगी, जिससे आगे चलकर वहां भी स्थायी केंद्रों के निर्माण की नींव पड़ी। आज विश्व भर में 200 से अधिक स्थायी विपश्यना केंद्र हैं। विपश्यना साधना के अभ्यास को ही पटिपत्ति कहते हैं। जब पटिपत्ति का काम जड़े जमाने लगा तो गुरुजी ने
सहायक आचार्यों की नियुक्ति भी आरंभ कर दी, जिससे केंद्रों पर निरंतर शिविर लगते रहे और साधकों को लाभ मिलता रहे। 1982 में 8 साधकों को गुरुजी ने अपना सहायक आचार्य घोषित किया। आज विश्व भर में 1500 से अधिक साधक सहायक आचार्य, वरिष्ठ सहायक आचार्य, पूर्ण आचार्य, केंद्र आचार्य और अन्य पदों पर निःशुल्क धर्म सेवा कर रहे हैं।